Hey travelers, this is Madhur. ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ IRCTC के लाउंज से, जो कि है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे. तो आज हम जा रहे थे माता वैष्णो देवी जम्मू राजधानी से, जो कि आज 2 घंटा लेट है. मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया. तो पॉइंट ये था कि ये जो 2 घंटे अब जो बचे हैं 8:40 की जगह अब वो 10:40 PM पे जा रही है, तो ये 2 घंटे हम कहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बिताएं. तो वॉक करते हुए वी रियलाइज ओके देयर इज अ लाउंज IRCTC का. एंड जब हम लाउंज के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपकी फैसिलिटीज सारी हैं. आपको सिटिंग एरिया दिया हुआ है, आपके पास डाइनिंग एरिया है, आपके पास चेंजिंग रूम्स हैं, शॉवर रूम्स हैं, स्लीपिंग बेड्स हैं. तो बहुत ही एक आपको नया एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल का मिलेगा. तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करते हैं लोकेशन की. ये वाला लाउंज प्लेटफॉर्म 16 पे है, जो अजमेरी गेट की साइड पे है. पूरे स्टेशन के अंदर ऐसे 2 लाउंजेस हैं, एक प्लेटफॉर्म 1 पे भी है. क्योंकि मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म 16 के लाउंज में था, तो ये पूरा वीडियो का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा प्लेटफॉर्म 16 वाले IRCTC लाउंज के ऊपर बना हुआ है. एंट्री फी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इन लिस्टेड क्रेडिट कार्ड में से कोई क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी पैसे यहाँ पे नहीं करने. हाँ, ट्रांजेक्शन इनिशियली आपको 2 रुपये की करनी पड़ेगी यहाँ पे, बट वो 2 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे विद इन 7 वर्किंग डेज. तो इवेंचुअली आपके लिए 0 रुपीज़ में है. तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे सिटिंग मिलती है और खाना मिलता है उसके साथ. अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब इनका पूरा एक कॉस्टिंग की लिस्ट है जो मैंने ये अटैच कर रखी है यहाँ पे. तो 2 घंटे के लिए सिटिंग चार्ज यहाँ पे 200 रुपीज़ प्लस टैक्सेस है. खाने का जो है वो एड ऑन है. तो आइए अब ना पूरी एमिनिटीज़ को देखते हैं. सो द मोमेंट आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, सो ये राइट साइड में एक शॉप है. सो बेकरी आइटम्स और चिप्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बट दीज आर अगेन चार्जेबल. एंड द मोमेंट आप और अंदर आते हैं, तो आपको पहले सिटिंग एरिया मिल जाता है. इस लाउंज के अंदर TV है आपका. देन उसको आप क्रॉस करके जब जाते हैं, तो आपका ये पूरा डाइनिंग एरिया है. बुफे आपका लगा हुआ है राइट साइड में. मैं बुफे पे वापस आऊँगा, बट पहले बाकी एमिनिटीज़ दिखाता हूँ. जैसे ये आपका चेंजिंग रूम एंड शॉवर एरिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड. एंड फिर उसके बाद इनका जो आपके मसाज चेयर्स एंड जो स्लीपिंग बेड्स हैं, वो इनके फर्स्ट फ्लोर पे हैं. आप जब फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, तो ये सेक्शन 3 पार्ट में फिर डिवाइडेड है. लेफ्ट साइड जो एक्सट्रीम वाला है, यहाँ पे आपका पूरा लाउंज चेयर्स बिछी हुई हैं, जो कि आपकी मसाज चेयर्स हैं. इसके एडिशनल चार्जेस हैं 200 के आसपास प्लस टैक्सेस. सिटिंग कॉमन है आपकी. देन राइट साइड में अगर आप ये देखते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा स्लीपिंग बेड्स यहाँ पे हैं. जो स्लीपिंग बेड्स हैं वो आपके डिलक्स रेस्टिंग एरिया के अंदर इनको कॉल करते हैं ये लोग, जिसके लिए आपको एडिशनल 510 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पे करना है 2 आवर. अगर अब हम खाने की बात करते हैं, तो आप ये देखेंगे तो पूरा बुफे स्प्रेड है यहाँ पे आपका. सारी सूप सैलेड सब कुछ है यहाँ. एंड बाय द वे, को एड ऑन चार्जेस अगर आप पे करते हैं, तो ये दोनों आपको नॉनवेज फूड भी सर्व करते हैं. थाली पैक करा के लेके जानी है, तो वो भी आप करवा सकते हैं यहाँ से. दीपक, कैसा है फूड यहाँ का? एवरेज. अब लास्ट में अगर मैं बात करूँ चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम की, तो बहुत ज़्यादा क्लीन तो नहीं है, बट स्टिल जो हमारे वैसे प्लेटफॉर्म के अंदर वॉशरूम होते हैं, उससे तो मच बेटर है ये. तो स्टिल आप अगर क्लीनलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, तो आई वुड रेट 2 आउट ऑफ 5. सो अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. कोई ऐसा मेन कंप्लेंट नहीं है. सो डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं इसके अराउंड. सो दैट्स इट गाइस, दिस इज मधु साइनिंग ऑफ. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.